आइए टाइप नंबर छः पर देखते हैं। टाइप नंबर छः में कल चर्चाएँ हुई थी टाइप नंबर पाँच, तो आज टाइप नंबर छः होगा। और आप सभी को जितने भी सवाल देखने को मिलेंगे ये सभी आप लोगों का सीबीटी वन और सीबीटी टू क्वालिफाई कराने के लिए किया जा रहा है। ये ना समझिएगा आप सभी लोग कि ये सिर्फ सीबीटी वन के लिए है, सीबीटी टू के लिए है, ये सीबीटी टू के लिए है, ठीक है बेटा। तो टाइप नंबर छः आप लोग टाइप्स को ही ध्यान में रखते चलेंगे तो ये भी सवाल आपका नहीं बचने वाला है। आप धुआं धुआं कर देंगे, उड़ा देंगे, गर्दा मचा देंगे, ठीक है ना। अब पूरे सवाल को जितना सावधानी पूर्वक आप लोग इसको देखेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। इस सवाल में हमें क्या देखना है, इस सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति ने फर्नीचर को 15% लाभ और 10% हानि, 15% लाभ 10% हानि। यहाँ अपना दिया है 500 रुपये कम मिलते हैं, कम मिले चाहे ज़्यादा उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हमें ये देखना है यहाँ लाभ है और 15 का लाभ 10 का हानि, तो 15 और 10 जब एक लाभ और एक हानि रहता है तो जुड़ जाता है, 15 10 25 तो 500 कम यानी 500 बटा 25 गुणे 100 25 से करना में 25 अब 25 चौके 100 अब 500 का 4 में गुणा करेंगे तो 2000 रुपये आंसर, 2000 रुपये आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 6% रहता, यहाँ पर 4 रहता, 6 4 10 हो जाता, तब आप करते 500 10 गुणे 100, 1 0 से 1 0 काट लेते तो आपका 5000 हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पर हान की जगह लाभ होता, ठीक, वैसे लाभ वाला अगले टाइप में हम बता ही चुके हैं, ये वाला कि यदि एक लाभ और एक हानि हो तो, ठीक है। और नहीं आएगा तो हम इसका टाइप जो आ रहा है उसमें टाइप में इसको बता देंगे, ठीक है। वो अगला टाइप, ये दूसरा टाइप है। तो टाइप नंबर 6 कन्फर्म, कोई दिक्कत, ऐसे सवाल नहीं बचना चाहिए, लगा देंगे ना आप लोग, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हाँ बार बार नहीं बोलेंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप लोग खुद समझदार है स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है बेटा, ओके। चलिए टाइप नंबर 7, विकास अपना प्लाट 2000 में 20% की हानि पे बेचता है, ठीक। तो 2000 को कितने हानि पर, 20%, यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80 निकालेंगे, 1% का दाम निकलेगा, गुड़े पर बेचता है वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, कितने प्रतिशत का, 10, यानी गुड़े 110 कर देंगे, हो गया आंसर। 20% का हानि तो 100 में से 20 जाएगा 80, 10% का लाभ तो 100 में 10 जुड़ेगा तो 110, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट देंगे, कट गया ना, 8 का भाग, 8 का नाम 8, ठीक है, 8 2 16, 4 5 8 5 40, ठीक, यानी 250 हो गया आपका आंसर। क्या चाहिए, 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 2 22 5 27 आंसर, 2750, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, हो गया। अब आप लोग इस पर हल करिए, ठीक है, आप लोग इस पर हल कीजिए, ठीक, दें सवाल को। चलिए चलिए 2000 को कर लेते हैं 15000, ठीक है, 2000 को 15000 कर लेते हैं। अब 20% को 35 कर लेते हैं, 35, 10% ही रहेगा, ठीक है,
स्क्रीनशॉट लेकर के सिर्फ ओनली इसका आंसर लिखेंगे, लिखेंगे टाइप नंबर 7 आंसर इतना बस, ठीक है ना। ओके चलिए टाइप नंबर 7 पर आते हैं, ठीक है 7 पर नहीं 8 पर, ये टाइप 7 चल चुका है, टाइप नंबर 8 पर आते हैं, सवाल को देखते हैं। सवाल में कह रहा है विकास अपना प्लाट जो है कितने में खरीदा, 8 लाख में खरीदा है, ठीक है 8 लाख में खरीदा और 25% लाभ पर बेच दिया, यानी खरीदा कितने में 8 लाख को खरीदा और कितने में बेचा 25% यानी 125/100, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर राम को बेच दिया, राम ने 10% लाभ पर, कितने परसेंट तो 10, तो 10 का होता है यानी 110/100, ये राम का हो गया, इतने में राम खरीदा, राम ने विनय को बेच दिया। अब विनय क्या किया, 5% लाभ लेकर के अजय को बेच दिया। अब विनय ने 5% यानी 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105/100 कर देंगे, किसको बेच दिया, विनय, ठीक है विनय ने अजय को बेच दिया। ठीक, अब अजय को कुल कितना रुपए देना पड़ेगा, तो इतना रुपए देने पड़ेंगे, इतना रुपए का मतलब 2 2 4 2 2 4, 1 5 1 5, 1 बचा 1 बचा, बात खत्म, सिंपल सा। 8 का 25 में तो 25 वाट कितना होता है 1000, 25 वाट 1000, 25 वाट 1000 होता है, ठीक है। और 1000 का 11 हम करेंगे तो 11000 हो जाएगा, 11000 हो गया, और 11000 का 105 में करेंगे, ठीक है 105, तो हो जाएगा अपना कितना 11 5 55 के 5 हासिल, 5 11 11 सुना शून्य यानी 5 हो जाएगा, 11 का नाम 11, 30 है तो 30 आंसर, ठीक है। अगर कहीं हान कह देता, मान लीजिए लास्ट में वो 5% हानि पर, तो यहाँ 105 नहीं लिखते, यहाँ 95 लिखते, 100 में से 5 घटा देते 1100 हो जाता आंसर, ठीक है। ऐसे सवाल कोई दिक्कत, ऐसे सवाल में कोई दिक्कत किसी को नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आपको देते हैं क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, इसको मिटा दें, रहने देते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, देखिए यहाँ पे कितना था 8 लाख था, तो उसको हम हटा करके कर देते हैं आपका मात्र 1000, 1000 करते हैं, ठीक है कितना कर देते हैं 1000, कोई दिक्कत नहीं ना 1000 में, 1000 में दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, ठीक। वहाँ 25% है तो इसको हम सिर्फ 20 ही रहने देते हैं, ठीक है ना 20, बाकी सेम वही रहने देते हैं, ठीक है बाकी सेम वही रहने देते हैं, और इसका आंसर आप लिख करके भेजेंगे मेरे पास, कमेंट करेंगे, ठीक इसका आंसर आप लोग लगा करके मेरे पास भेजेंगे, सेम रूल से ही रहेगा पहला वाला। चलिए टाइप नंबर 9 देखते हैं, 9 में क्या है, 9 में कह रहा है विकास अपना एक सुंदर सा घर 20% लाभ पे खरीदा, ठीक है यानी पैसा विकास का पैसा नहीं दिया है, विकास का पैसा यहाँ नहीं दिया, बस वो बोल दिया सुंदर, तो विकास का पैसा 100 रुपया, और कितने में खरीदा 20% लाभ पर यानी 120/100 हो जाएगा। मकान को राम को बेच दिया, राम ने 50% हानि, यहाँ हानि रहेगा 50% हानि पर, ठीक तो मान लीजिए जितने में खरीदा था उसका 50% हानि, तो 100 में से 50 घटाएंगे तो 50/100 बचेगा हानि पर। विनय को बेच दिया, यदि विनय ने 20% लाभ लेकर, तो 20 यानी 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, 20% लाभ लेकर अजय को बेच दिया, अजय ने कुल 8000 रुपये दिए, यानी अजय का कुल कितना रुपये हो गया, सॉरी 8000 नहीं 144,
144 रहेगा, ठीक है। 144 रुपए दिए तो विजय विकास का उसे कितना रुपए में खरीदा था, तो विकास ने उसे कितना रुपए खरीद कितने रुपए में खरीदा था, यानी यहाँ हो गया 144,00। सिंपल सी बात है, लग गया सवाल। 50 से कन्नम 50, 50 दूना 100, 10 से 10, 10 से 10, 12 बरनिया में 144, यानी कट गया, यानी यहाँ हो गया 1 और यहाँ वल्ली बचा है यक्स। 100 का 1 में करेंगे 200, 200 का इसमें करेंगे तो कितना होगा, 200 का करेंगे तो 20,000, 20 से करने 20,000 रुपया, यानी उसने कुल कितना रुपए 20,200 रुपए में खरीदा। आंसर बस आपको कुछ नहीं करना है, हान और लाभ देख करके सवाल को लगा लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब टाइप नंबर 10 देखते हैं। चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर 10। विकास अपना एक सुंदर सा घर 20% हानि पर मकान को राम को बेच दिया, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। यदि 10% की हानि का विक्रय मूल्य कितना है, 120। यहाँ कह दिया है 10% की हानि का मूल्य 1200 रुपए है, यानी 1200 बटा 10 का, यानी 100 में से 10 घटाएंगे 90 हो गया, ठीक। गुड़े कह रहा है कि कितना में बेचता 19% की हानि होती, तो 100 में से 19 घटाएंगे 81 होगा और आंसर लग गया। 10 से 10 कट गया, 99 आया, 12 9 108 और 10 बच रहा है तो 10 हो गया आंसर। कोई दिक्कत सवाल में, कहीं परेशानी, सिंपल सी बात है। 20 था, सॉरी वहाँ 20 नहीं, यहाँ पे 10 रहेगा, ठीक है, 10 था, ठीक है ना, यहाँ 90 हो गया, 81 हो गया, गलती हो गया, पहले से ही पढ़ा रह गया था क्वेश्चन, ठीक है ना, 91 हो गया। अब वहाँ पे क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं और आपको देते हैं लगाने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक। अब यहाँ पे हम आपको कर देते हैं 20 करते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको आपको कर देते हैं 15, ठीक, और इसको आप लोग कर देते हैं 3200 रुपया, 3200 रुपया, ठीक है, और इसे आप लोग हल करिए, इसको नोट कर लीजिए और हल करके कमेंट में भेज दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। टाइप 11 मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।